और मिलन थॉमसन मेथड में आज हम लेंगे माइनस वी और यू प्लस वी आर गिवन। तो या तो यू माइनस वी गिवन होगा या यू प्लस वी गिवन होगा। अगर ये गिवन है तो यू प्लस वी फाइंड करना है, यू प्लस वी गिवन है तो यू माइनस वी फाइंड करना है। तो इसमें हम लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी, अब इसको हम आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई एफ जेड इक्वल टू आई यू माइनस वी। अब दोनों को ऐड कर लिया जाए, एडिंग, तो यहां से एफ जेड कॉमन। अरे उस पर लगा दिया क्या, लाइन मोड पे एफ जेड यू माइनस वी प्लस आई कॉमन यू प्लस वी। तो यहां इसको तो कैपिटल एफ जेड ले लिया जाएगा, वन प्लस आई एफ जेड को, वन प्लस आई इंटू एफ जेड, एंड यू माइनस वी को कैपिटल यू एंड यू प्लस वी को कैपिटल वी, देन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। ये है हमारा न्यू फंक्शन जिसमें फाइंड तो हमने एफ जेड ही करना है। तो लास्ट में जब ये कैलकुलेट हो जाएगा कंप्लीटली, तो कैपिटल एफ जेड की जगह पर वन प्लस आई एफ जेड पुट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिएगा। जैसे ये है हमारे पास पर्सन, यू प्लस वी इक्वल टू टू साइन टू एक्स अपॉन ई टू दी पावर टू वाई प्लस ई टू दी पावर माइनस टू वाई माइनस टू कॉस टू एक्स, ये गिवन। तो यहां u प्लस वी गिवन है, तो u प्लस वी को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल वी। तो ये प्रोसीजर जो है टोटल यहां पर देना है आपने, ठीक है ना। लेट इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, अब आई से मल्टीप्लाई ऐड करने के बाद कैपिटल एफ जेड सीधा लिख देता हूं, कैपिटल एफ जेड, ये टोटल प्रोसीजर यहां पर करना है। तो ये आ जाएगा कैपिटल यू प्लस आई वी, वेयर कैपिटल यू इक्वल टू है यू माइनस वी और कैपिटल वी इक्वल टू है यू प्लस वी। सो कैपिटल वी इक्वल टू टू साइन टू एक्स अपॉन ये ई टू दी पावर टू वाई प्लस ई टू दी पावर माइनस टू वाई माइनस टू कॉस टू एक्स, इसको हमने टू से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ इतने पार्ट को टू से ही डिवाइड किया। तो ऐसा करने पर टू साइन टू एक्स अपॉन ये टू तो एज इट इज, और ये हो जाएगी कॉस
हाइपरबोलिक टू वाई की वैल्यू, कॉस हाइपरबोलिक टू वाई और माइनस टू कॉस टू एक्स, तो टू कॉमन लेकर कैंसिल कर लीजिएगा, हाइपरबोलिक अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए एफ डैश जेड फाइंड करना है, तो एफ डैश जेड फाइंड करने के लिए अब आपको v गिवन हो गया, u फाइंड करना है, तो v के पार्शियली डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले हम निकालते हैं डेल v बाय डेल x, डेल v बाय डेल x, ये चमक रहा है, तो यहां इसको x के फंक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, तो ये डिनोमिनेटर तो एज इट इज, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दिस इज टू कॉस टू एक्स माइनस, अब साइन टू एक्स एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का तो जीरो हो जाएगा और कॉस टू एक्स का हो जाएगा माइनस टू साइन टू एक्स, तो ये माइनस में ऑलरेडी है तो प्लस हो गया टू साइन टू एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक टू वाई माइनस कॉस टू एक्स का होल स्क्वायर। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है देखो, यहां जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू कॉस टू एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक टू वाई, और ये हो जाएगा माइनस टू कॉस स्क्वायर टू एक्स और माइनस टू साइन स्क्वायर टू एक्स, तो माइनस टू कॉमन कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस साइन टू स्क्वायर टू एक्स हो जाएगा वन, तो दिस इज माइनस टू अपॉन कॉस हाइपरबोलिक टू वाई माइनस कॉस टू एक्स का होल स्क्वायर। तो ये डेल वी ओवर डेल एक्स, और डेल वी ओवर डेल एक्स होता क्या है, माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, तो दैट मीन्स ये माइनस डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू। अब चलते हैं, ये फर्स्ट रख लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, अब y की रेस्पेक्ट में करेंगे इसको, तो y का फंक्शन सिर्फ डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में नहीं है, तो कैसे किया जाएगा, इसको ले जाएं न्यूमरेटर में, तो इसकी होल पावर माइनस वन हो जाएगी, तो होल पावर माइनस वन का डिफरेंशिएशन कर लो, तो ये डेल वी ओवर डेल वाई इक्वल टू, देखो इसको ऐसे लिख लिया जाएगा साइन टू एक्स ब्रैकेट कॉस हाइपरबोलिक टू वाई माइनस कॉस टू एक्स का पावर माइनस वन, तो जब आप सॉरी ये वी था, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई तो माइनस तो आ गया पहले माइनस साइन टू एक्स, और इसकी पावर हो जाएगी माइनस टू, माइनस टू का मतलब अपॉन में स्क्वायर हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक टू वाई माइनस कॉस टू एक्स का होल स्क्वायर और इनटू, अब अंदर ब्रैकेट को करेंगे डिफरेंशिएट, कॉस हाइपरबोलिक टू वाई का हो जाएगा टू साइन हाइपरबोलिक टू वाई, तो यहां तक सबको क्लियर है, माइनस भी आएगा, हेलो नहीं हाइपरबोलिक का माइनस नहीं होता है, हाइपरबोलिक के डिफरेंशिएशन वो चाहे साइन हो चाहे कोस हो प्लस ही रहता है हमेशा, ठीक है ठीक है।
तो अब ये दोनों वैल्यू डेल वी अवर डेल वाई होता क्या है, डेल यू अवर डेल एक्स। तो डेल यू अवर डेल एक्स जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है उसको हम मानते हैं साई वन, और जो विद रिस्पेक्ट टू वाई है उसको मानते हैं साई टू। तो हेयर डेल यू अवर डेल एक्स इक्वल टू साई वन जेड जीरो। अब साई वन जेड जीरो की वैल्यू यहां से क्या आएगी, इसका मतलब है एक्स की जगह जेड है और वाई की जगह पर जीरो है, तो ये कंप्लीटली जीरो हो गया। क्यों हो गया जीरो, क्योंकि साइन जीरो हो जाएगा यहां पर, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो ये तो वैल्यू जीरो होगी। इससे पहले वाला जो है डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू होता है साई टू जेड जीरो, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू, जब ये माइनस आप इधर लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो टू माइनस जीरो कॉस टू कॉस टू जेड, और कॉस जीरो हो जाता है वन अपॉन, यहां डिनोमिनेटर में देखिएगा क्या है भाई, ये कॉस जीरो वन माइनस कॉस टू जेड का होल स्क्वायर। सॉरी, अब टू कॉमन ले लेंगे, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो टू अपॉन वन माइनस कॉस टू जेड, और टू अपॉन ये वन कैंसिल कर लो इससे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो वन कैंसिल हो जाएगा, तो टू साइन स्क्वायर जेड, टू से टू भी कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाता है कोसेक स्क्वायर जेड। अब चलते हैं आगे का प्रोसीजर क्या है हमारे पास, बिकॉज वी इज गिवन, तो वी गिवन है, तो एफ डैश जेड क्या होता है, डेल यू अवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी अवर डेल एक्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू देखिए कहां पर है, डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू जो है वो है जीरो, प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स, तो डेल वी ओवर डेल एक्स चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, तो माइनस आई तो एज इट इज, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू आई वी है कॉस एक्स स्क्वायर जेड, अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे एफ जेड इक्वल टू माइनस आई तो एज इट इज, और कॉस एक्स स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट स्क्वायर जेड, सॉरी हाँ भाई कॉट जेड माइनस में होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कैपिटल एफ जेड चल रहा है भाई, ये हम यहां पर जो लिया है ये कैपिटल वाला है, कैपिटल वाले लिए ना सब, तो दिस इज कैपिटल, तो कैपिटल एफ जेड की वैल्यू आ गई प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। अब स्मॉल एफ जेड चाहिए, तो कैपिटल एफ जेड की वैल्यू है क्या, कैपिटल एफ जेड इक्वल टू वन प्लस आई स्मॉल एफ जेड, तो यहां इधर से रफ कर दिया जाए, तो यहां से रफ करते हैं थोड़ा, तो ये वन प्लस आई एफ जेड इक्वल टू आई कॉट जेड है भाई,
अच्छा स्क्रीन रुक गई। देखो ठीक है, तो इससे डिवाइड कर दीजिए आई अपॉन वन प्लस आई कॉट जेड प्लस सी अपॉन वन प्लस आई। इसमें आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं वन माइनस आई से, तो आई इंटू वन माइनस आई अपॉन हो जाएगा कितना, टू हो जाएगा ये, क्योंकि वन प्लस आई वन माइनस आई, तो वन माइनस आई स्क्वायर, तो वन और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू प्लस वन हो जाएगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो वन वन टू कॉट जेड आई से मल्टीप्लाई कर लो आई माइनस तो प्लस वन बाई टू। तो ये है इसका रिजल्ट। ठीक है भाई, तो यहां इसको इन्होंने नया कांस्टेंट कह दिया सी वन, अगली लाइन में इसकी जगह सी वन रख देना बस, क्योंकि कंप्लीटली कांस्टेंट ही है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर अगर u माइनस v गिवन हो तो इसका मतलब क्या गिवन हो गया, कैपिटल u गिवन हो गया, और कैपिटल u से कैपिटल v में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर से कैपिटल्स में वैल्यू आएगी, लास्ट में कैपिटल एफ जेड की वैल्यू रख देनी है, तो स्मॉल एफ जेड की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर हो रहा है? ये स्क्रीनशॉट ले लेना उधर से रौनक, अब इस वाली एक्सरसाइज में हर एक टाइप के क्वेश्चन में करा चुका, समझ गए आप लोग। अब देखिए आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रूव करने वाले, दो चार क्वेश्चन दिए हुए, इनको आप करके देखना, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इनमें, और जब आप इनको सॉल्व कर लोगे जैसे कि मैं बताता हूँ। ये नोट कर लिया आपने? नेक्स्ट प्रूव दैट फोर टाइम्स डेल टू बाई डेल जेड बार इक्वल टू डेल टू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाई डेल वाई टू। ठीक है भाई, देखिए हमारे पास जो जेड फंक्शन होता है वो एक्स और वाई का फंक्शन है, जेड इक्वल्स टू इक्वल होता है एक्स प्लस आई वाई, एंड जेड बार होता है एक्स माइनस, तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो यहां से, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हाफ जेड प्लस जेड बार, एंड y की जो वैल्यू आएगी जब आप इनको सब्सट्रैक्ट करोगे, तो
हाफ जेड माइनस जेड बार और आई भी आएगा आपको अपॉन में टू आई, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। इसमें आप चाहो तो आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो माइनस आई अपॉन टू जेड माइनस जेड बार, क्योंकि आई से मल्टीप्लाई करोगे आई से डिवाइड करोगे आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये आई एच डी रहेगा, तो ये वैल्यू होगी वाई। इससे अब आप क्या करें, डेल एक्स अपॉन डेल जेड की वैल्यू फाइंड कर लें, हाफ पार्शली है विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो जेड का तो हो जाना है वन प्लस जेड बार का हो जाएगा जीरो, तो ये वन बाई टू। ऐसे ही डेल वाई बाई डेल जेड कीजिए, माइनस आई बाई टू जेड वन जेड बार जीरो। अब डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार की रेस्पेक्ट में करेंगे, हाफ जेड जीरो जेड बार वन, और डेल वाई बाई डेल जेड बार तो माइनस आई बाई टू, और वो भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा आई अपॉन, तो वैल्यू हमें चाहिए ये। तो देखिए डेल वाई डेल जेड की वैल्यू होगी क्या, एक्चुअली डेल वाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स, और डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल जेड डेल एक्स बाई डेल जेड प्लस, अब वाई में से डेल बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डेल जेड, ये फॉर्मूला है। देखिए डेल एक्स डेल एक्स कैंसिल डेल बाय डेल जेड प्लस डेल वाई कैंसिल डेल बाय डेल जेड, तो यहां जितने वेरिएबल होते हैं उतने टाइम्स एड हो जाता है। तो कितने वेरिएबल हमारे पास, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो एक बार एक्स में और एक बार वाई में, और भी वेरिएबल होते तो प्लस हो जाएंगे आगे। क्लियर हो गई ये बात सबको। अब यहां वैल्यूज आप रखेंगे जब डेल वाई डेल एक्स, डेल एक्स बाय डेल जेड की वैल्यू है हाफ प्लस डेल वाई और ये वैल्यू हो गई आपके पास डेल वाई बाय डेल जेड आई बाय टू, तो ये डेल बाय डेल जेड की वैल्यू मिल गई आप वन बाई टू है भाई माइनस आई बाई टू, हाँ माइनस आई बाई टू सॉरी, तो वन बाई टू तो कॉमन आ जाएगा कॉन्स्टेंट है, तो ये वैल्यू बन जाती है डेल वाई डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई डेल ओ। इसी तरह से डेल वाई डेल जेड बार की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये यहां पर जेड की जगह जेड बार आ जाएगा सिर्फ और कुछ नहीं, डेल वाई डेल एक्स वाई डेल जेड बार प्लस डेल वाई और डेल वाई बाई डेल जेड बार। पेन चमक रहा है, चलिएगा आगे। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं, बस सीधे वैल्यू तो आप रख लोगे, तो ये वैल्यू आई है हाफ डेल वाई डेल एक्स और प्लस आई डेल वाई डेल वाई, ये वैल्यू आ जाएगी वैल्यू रखने के बाद। क्लियर हो गया, वैल्यू चाहिए किसकी हमें, ये वैल्यू चाहिए। तो डेल टू जेड अपॉन डेल टू अपॉन डेल जेड डेल जेड बार फोर टाइम्स इक्वल टू, तो फोर तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये वैल्यू है डेल बाय डेल जेड इंटू डेल बाय डेल जेड बार, तो फोर एज इट इज दोनों की वैल्यू रख लें, डेल बाय डेल जेड की वैल्यू ये रखी हुई है हाफ डेल बाय डेल एक्स माइनस आई डेल वाई और इनटू दूसरी वैल्यू है डेल वाई डेल जेड बार, ये आई भी है ठीक है वन बाय टू
डेल बाय डेल एक्स प्लस आई डेल बाय डेल वाई, ये कैंसिल हो गया फोर। और ये देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेल टू बाय डेल एक्स टू, और माइनस आई स्क्वायर का हो जाएगा प्लस डेल टू बाय डेल वाई। देखो क्या प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो ये है इस टाइप के कुछ पार्शियली डेरिवेटिव आपको गिवन होंगे जो आप प्रूफ करने हैं। ये चार पांच क्वेश्चन है आपके, इसमें आप देख लेना इनको, ठीक है ना। इनमें से कभी कभी क्वेश्चन कोई आ जाता है कभी, तो एक बार आप इनको जरूर चेक कर लें, करके देख लेना। इसके बाद अब हमारे पास एक नया चैप्टर आता है कन्फॉर्मल मैपिंग, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। इससे पहले हम कराएंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर जो इसी से रिलेटेड है, तो पहले हम कराएंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन।